नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी हरियाणा। गुरुग्राम के बसई रेलवे स्टेशन पर आज एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसके अंदर चार युवाओं की ट्रेन के चपेट में आकर मौत हो गई है। पंजाब केसरी टीवी सबसे पहले इस घटना स्थल पर पहुंचा है, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एम्बुलेंस जो है उनके अंदर चारों के शवों को रख दिया गया है। हालांकि जो मृतक हैं उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, और जो आसपास के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये जो चारों युवा थे यहाँ सेल्फी ले रहे थे, और एक लड़का जो था वो फोटो खींच रहा था, तीन उसके पीछे खड़े थे। इसके बाद पीछे सारी ट्रेन ने अचानक चारों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ है। जो रेलवे पुलिस है वो इस वक्त पहुँच चुकी है मौके पर, और चारों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जा रहा है, और जो इनके जो आईडी प्रूफ है उनको भी खंगाला जा रहा है, जिससे कि पता लगाया जा सके कि चारों मृतक हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं। और लगातार जो गुरुग्राम पुलिस और जो रेलवे पुलिस है वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ मौके पर पहुंचकर जो है मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और बताना चाहूँगा इसी जगह पर ये पूरी जो दर्दनाक हादसा है वो हुआ है, और अभी तक जो सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि सेल्फी लेते समय ये दर्दनाक हादसा हुआ है। हालांकि ये जांच का विषय है, और अभी ये बाद में साफ हो पाएगा कि ये इन चारों ने यहाँ आकर सुसाइड किया है, या फिर वाकई इनके साथ कोई हादसा हुआ है, या फिर सेल्फी लेते समय ये ट्रेन की चपेट में आए हैं, ये देखने वाला समय ही बता पाएगा। जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पहुँच गए। आप थे यहाँ पर जब ये हादसा हुआ? तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन का जो है काम चल रहा है, फ्लाईओवर जो है यहाँ बनाया जा रहा है, और ऐसे में जो है लोगों की जो पहुँच है वो इस जगह तक हो जाती है। लोग यहाँ से अक्सर जो है निकल कर आते जाते नज़र आते हैं, यहाँ से निकलते हुए जो लोग हैं दूसरी ओर जो है चले जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो दुर्घटना जो है इस जगह पर, इस मेरे जो बाईं ओर का जो इलाका है, इस तरफ ये पूरी दुर्घटना हुई है, जिसके बाद से जो है चारों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रेलवे पुलिस जो यहाँ पर है, हालांकि कुछ भी कहने से जो है इनकार कर रही है पुलिस अभी, मगर जो मृतक हैं उनकी पहचान नहीं हो पाई है। और उम्र की अगर हम बात करें तो 20 से 25, 26 की उम्र के जो हैं सभी युवा बताए जा रहे हैं, उम्र जो इनके सामने आ रही है। हालांकि सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से आज ये हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं चार युवाओं की एक साथ मौत जो ट्रेन से कटकर हुई है, ये कहीं ना कहीं जो है एक बहुत दुखद और दर्दनाक हादसा है। और चारों के शवों को कब्जे में लेकर जो है एम्बुलेंस के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस यहाँ मौके पर मौजूद है, और काफ़ी दर्दनाक हादसा ये गुरुग्राम के बसई रेलवे स्टेशन के पास देखने को मिला है। इस जगह पर जो है ये पूरी घटना हुई है, ये पूरा ट्रैक था। सर कुछ पहचान सर हो सकी? कुछ भी अभी पुलिस जो है कुछ भी कहने से जो है इनकार कर रही है, मगर बताना चाहूँगा कि चार लोगों ने अपनी जान गंवा दी है इस दर्दनाक हादसे के अंदर। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि आखिर ये दुर्घटनापूर्वक जो है ट्रेन की चपेट में आए हैं, या फिर वाकई जो लोगों का कहना है, जो लोग इनको देख रहे थे दूर से, जैसे कि लोगों ने बताया है कि सेल्फी लेते समय ये पूरा हादसा हुआ है। तो पुलिस जो है अभी कुछ भी कहने से इनकार कर रही है फिलहाल। हालांकि इस घटना के बाद जो आसपास का इलाका है वो सहम सा गया है, और पंजाब केसरी टीवी के माध्यम से सबसे पहले खबर आपको दिखाई जा रही है। हो सके तो उस खबर को ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो इनके जो परिजन हैं उन तक खबर पहुँच सके, क्योंकि जिस तरीके से चार युवाओं की यहाँ मौत हुई है, ये कहीं ना कहीं बेहद दुखद खबर है। गुरुग्राम से जो आज शाम तकरीबन 5 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है, तब चार युवा इस जगह पर एक के बाद एक खड़े हुए थे, और बताया जा रहा है कि उस तरफ से जो युवा था, इस तरफ से एक युवा, यहाँ से एक युवा जो है अपने फ़ोन को निकाल कर जो है फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहा था, ऐसा जो है स्थानीय लोग बता रहे हैं। हालांकि जांच का विषय है कि क्या इन्होंने सुसाइड किया है, या फिर ये दुर्घटनापूर्वक ट्रेन की चपेट में आए हैं, या फिर वाकई जो लोगों का कहना है कि सेल्फी लेते हुए दुर्घटना हुई है, ये देखने वाला बात होगी। मगर मैं बता दूं कि इस ट्रैक पर, इसी जगह पर ये पूरी घटना हुई है, जहाँ पे 5-5 फुट की दूरी पर जो है चारों के शव जो हैं कटे हुए मिले हैं, चारों युवाओं के। और इस दर्दनाक हादसे से कहीं ना कहीं जो सहम सा गया है गुरुग्राम। और बताना चाहूँगा जो रेलवे पुलिस है
वो यहाँ मौके पर पहुंचकर जो है मामले की जांच कर रही है, तफ्तीश कर रही है और लगातार जो है इस घटना के बाद से जो युवा थे उनके अंगों को जो है आसपास के ट्रैक से उठाने का काम जो है किया जा रहा है। इसके बाद लगातार जो पुलिस है वो जांच कर रही है और दिल्ली की ओर से जो है ट्रेन, बताया जा रहा है कि दिल्ली की ओर से ट्रेन आ रही थी और रेवाड़ी की ओर जा रही थी, जिसके बाद ये पूरी जो है ये घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं इस घटना के बाद सहम सा गया है गुरुग्राम और जो चारों युवा हैं उन चारों युवाओं के जो परिजन हैं उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश जो है पुलिस द्वारा की जा रही है, मगर जो पहचान पत्र हैं उनकी जेबों में नहीं मिले हैं, जिसके चलते जो अभी पहचानना जो है युवाओं को बड़ा मुश्किल है। आप यहीं के रहने वाले हैं, आप किस मालूम पड़ा किस टाइम घटना हुई थी? नहीं, मैं तो अभी आया। ठीक, तो जो लोग यहाँ मौजूद थे जिनके सामने पूरी घटना हुई है, हालांकि वो यहाँ से जा चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर बता दूं कि जो रेलवे पुलिस है वो लगातार जो है जांच कर रही है और जो युवा हैं उनके अंगों को जो है ढूंढा जा रहा है, क्योंकि टुकड़े टुकड़े जो है टुकड़ा अवस्था के अंदर जो है सभी युवाओं के मृत शरीर यहाँ मिले हैं। इसके बाद लगातार जो है रेलवे पुलिस जाँच में जुट गई है और जो उनके जो सामान हैं कह सकते हैं या फिर जो बिखरे हुए जो उनके शरीर के टुकड़े हैं उनको यहाँ पुलिस द्वारा तलाशा जा रहा है। बहुत दर्दनाक खबर जो है गुरुग्राम से आज शाम 5 बजे सामने आई है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं जो सवालिया निशान जो है वो कई तरीके से उठते हैं कि इस तरीके से रेलवे ट्रैक के ऊपर युवाओं का पहुंचना और काफ़ी लंबे समय से टिके होना, यहाँ पर सेल्फी लेना और किसी की नज़र तक उनके पे नहीं गई, और ऐसे में कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो उठता ही है, मगर जिस तरीके से चारों युवाओं की मौत इस घटना के अंदर दर्दनाक हादसे में हुई है उससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो सहमे हुए हैं। लगातार जो रेलवे पुलिस है वो यहाँ पहुंचकर जांच कर रही है, चारों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि मौके पर ही चारों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस खबर से संबंधित और भी जो जानकारी होगी हमारे द्वारा आपको समय रहते भेज दी जाएगी। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।